नारा यादव जी हैं, जिनको मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और दिवाली ग्रह का कार्यक्रम है उसमें आए हुए अतिथियों को मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को देवी दीन घराना से बल्लाम यादव जी सहयोग कर रहे हैं विराह के रूप में, और कल्लू मंगल घराना की ओर से पप्पू यादव जी इस दंगल में आमने सामने होंगे। तो मैं आज के आयोजन में चाचा लालवा यादव जी से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले आप मैं दोनों विराह कलाकारों को भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया स्टेज के सामने आवे ताकि माल्यार्पण किया जा सके। अयोध्या से पधारे श्री बल्लाम यादव जी देवी दीन घराना से बिलोंग करते हैं इस कार्यक्रम में, और जनता जनार्दन को अभिनंदन करते हुए और मैं लाला यादव जी से चाहूंगा कि श्री बल्लाम यादव जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें तालियों के साथ। और ठीक इनके सामने हमारे गौरी के पुरवा के निवासी श्री पप्पू यादव जी, जो विराह के क्षेत्र में आपको भी महारत हासिल है, मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से तैयारी के साथ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसकी तालियां पप्पू यादव जी को लाला के द्वारा माल्यार्पण किया गया। और इस बीच अभिनंदन के लिए अंगवस्त्र के रूप में गमछा भेंट किया जा रहा है पप्पू यादव बिरहिया देवी दिन कल्लू मंगल घराना से, और एक गमछा बल्लाम यादव जी के लिए अभिनंदन स्वरूप, और अयोध्या से पधारे बल्लाम यादव जी के लिए तालियां दोनों विधा पार्टियों के लिए तालियां। इस बीच और हारमोनियम पर संगत दे रहे रामदेव जी के लिए भाई अपने हाथों की कला से जनता जनार्दन को हारमोनियम के द्वारा मोहित करेंगे। और इस बीच नकारा मास्टर के लिए एक माल्यार्पण हुआ, अभिनंदन किया गया। और मैं YouTube चैनल के मुख्य संचालक श्री भास्कर यादव जी अगर इस कार्यक्रम में उपस्थित हों तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यहां पर आए और बिरहा के कार्यक्रम में जो भी दोनों पार्टियां हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। भास्कर यादव जी ना जो है आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम अवश्य सफल होगा और अच्छा योगदान मिलेगा। भास्कर यादव जी इस बीच YouTube चैनल टैलेंट अयोध्या की ओर से मैं इनका हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और चाहूंगा कि दोनों विरहा कलाकारों को और एक बार लाला यादव की ओर से भास्कर यादव को माल्यार्पण किया गया। मैं भास्कर यादव जी से अनुरोध करूंगा एक गमछा भेंट किया जा रहा है भास्कर यादव जी
इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगी इस कार्यक्रम के जी। अच्छा मैं लोगों के घरों में उजाला करने वाले रात दिन कड़ी मेहनत के साथ ऊबर खाबड़ रास्तों पर चलते हुए और लोगों को घर में प्रकाश की व्यवस्था करने वाले मीर मऊ से पधारे हमारे लाइन इस लाइन मेंटेनेंस के जो लाइनमैन है श्री समर यादव जी। और ये आप कई विशेष रूप से भी सामाजिक है, मैं समर यादव जी को भी आमंत्रित करता हूँ कृपया इस स्थल पे पहुंचे कार्यक्रम स्थल पे। समर यादव जी आपका सामाजिक कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा है, मैं कई कार्यक्रम में आपकी भूमिका मैंने देखी है। ये समर यादव जी है लोगों के घरों में प्रकाश की व्यवस्था करने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता श्री ब्रजेश यादव की द्वारा ये माल्यार्पण हुआ लोगों के घरों में उजाला करने वाले समर यादव जी के लिए ब्रजेश यादव अभी माल्यार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और अंगवस्त्र यह गमछा कि कड़ी मेहनत के साथ रात दिन मेहनत करते हैं तो कम से कम इसमें थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे यादव जी। और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कृपया कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने का कष्ट करें श्री जगत यादव जी। और जगत यादव जी स्टेज पे और इस माल्यार्पण कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवेश कुमार यादव पप्पू यादव जी श्री जगत यादव के लिए बहुत बहुत बढ़िया हार्दिक अभिनंदन। पप्पू यादव की ओर से माल्यार्पण करके हृदय से स्वागत किया गया जगत यादव जी का। तो इस बीच राजकरण यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाए। राजकरण यादव जी प्रबंधक मैं इनके लिए माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रसाद यादव जी को। कृपया ज्यादा समय ना देते हुए ताकि कार्यक्रम कार्रवाई आगे शुरू की जा सके प्रसाद यादव जी ने हार्दिक स्वागत करके माल्यार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
चले तो जी और सुरेश यादव जी इस हमारी देवभूम ग्राम सभा सनवा के बहुत ही हमारे हमदर्द बड़े भाई सुरेश यादव जी हमारे इस मंच पे आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आप हमारे मंच तक आए। हमारे बड़े भाई अवधेश यादव जी उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। सौरभ सीमेंट ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर श्री सुरेश यादव जी उनका हार्दिक एवं का अभिनंदन करते हुए सुरेश यादव जी का अवधेश यादव जी इस प्रकार माल्यार्पण और स्वागत एवं अभिनंदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक बार पुनः मैं एवं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ब्रजेश यादव पप्पू यादव विशाल यादव लाला यादव की ओर से रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं इस जवाबी बिरहा के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी जनता जनार्दन को भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत और आशा करते हैं कि दोनों बिरहा पार्टियां बलराम यादव जी अयोध्या से पधारे हुए हैं और पप्पू यादव जी कल्लू मंगल घराना से दोनों के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जो पहला राउंड है बिरहा का उसमें मैं आमंत्रित करता हूं कि उसका शुभारंभ शुरुआत जो है देवी देवी घराना से बलराम यादव जी फ्रॉम अयोध्या को मैं आमंत्रित करता हूं अपने मुखारविंदों से इस बिरहा के कार्यक्रम की शुरुआत करें श्री बलराम यादव जी। देर रात तक एक अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के पावन पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य आयोजक पप्पू यादव सह आयोजक श्री ब्रजेश यादव पप्पू यादव विशाल यादव एवं लाला यादव अवधेश यादव सभी लोग धन्यवाद। इतना ठीक है भैया, इतना ठीक है। जब आपका ठीक है तो नहीं नहीं इतना हल्का रहा चाहिए। सर्वप्रथम बस ठीक है भैया, शुरू ना रहा जी, इनके सबके तह कम कर दो। यहाँ पर बैठे समस्त श्रोता बंधुओं को हिमाचल बलराम यादव निवासी ने आधार अयोध्या आप लोगों का सादर वंदन अभिनंदन करता है और साथ ही साथ इस महापावन
पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ जो भी गायक कलाकार राइटर किसी भी अखाड़े से पधारे हुए सभी का एक सौ मेडल लेते हुए मैं गीत पढ़ रहा हूं। घर कोई त्रुटियां हो गए तो एक बार क्षमा का दान जरूर प्रदान कीजिएगा। और इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई पप्पू यादव जी, जिनको लोग पीबीआर के नाम से भी जानते हैं, और अपने सक्षम साथियों के साथ भैया ने इस आयोजन का बहुत बड़ा आयोजन बनाया है। और नौजवान साथियों को राम राम करते हुए, बूढ़े बुजुर्गों का चरण वंदन करते हुए मैं गीत पढ़ रहा हूं। और नकारावर संगत कर रहे हमारे शिवराम नकारा वादन जी हारमोनियम पर उनका साथ दे रहे हैं, हमारे रामजीत राजपूत लेधी भाई साहब, और आज के साथी कलाकार सक्षम कलाकार हमारे बड़े भैया घराना गुरु कल्लू मंगल से फनकार विराह रहे पप्पू यादव जी, और मित्र में परम मित्र जहां तक शोध विराह को हम लोग जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं बड़े भाई मुकेश यादव जी। और खलीफा के समान हमारे गुप्ता जी, और सभी श्रोता बंधुओं से, और कुछ तो इतने बड़े प्रेमी हैं जैसे हमारे भास्कर भैया ने स्वयं रहे कि दीवानी है श्रीमान जी कि अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पहले विराह सुनने जाते थे लेकिन आज लोग इनको बुलाते हैं विराह सुनने के लिए। और बहुत से ऐसे दीवाने हैं भाई, कार्यक्रम के बड़े अच्छे आयोजक हमारे बहुत अच्छे अच्छे जोड़े का विवाह करवाए हमारे श्यामलाल बड़े भैया, आपसे भी गीत पढ़ने की ज्यादा चाहते हैं भैया। टैलेंट विभाग के संचालक हमारे बड़े भैया भास्कर यादव जी, और हम लोग हल्का फुल्का सेट कर लेंगे। इस विरह को आपने इस गांव से उठाकर विदेशों में पहुंचाया बड़े भैया भास्कर यादव जी, मैं आपसे गीत पढ़ने के लिए चाह रहा हूं। थैंक यू। आ
और की पकड़ो माता के कदम रखने लादियो शरम कष्ट पड़े दया बाल के ऊपर महारानी कष्ट पड़े दया बाल के ऊपर जयति ज्योति जय ममता माई सरस्वती तू हंसवाहिनी बिना धारणे मात भाई सरस्वती ओम नमो जय जयति ज्योति जय ममता माई सरस्वती हंसवाहिनी बिना धारणे मात भाई सरस्वती आसमां में नुक्कड़ करते मेरे हंसाये सरस्वती अरे हमारे जान के पीछे ये अटकाये सरस्वती लेकर के त्रिशूल करे दुश्मन के सफाये सरस्वती कोकिल कंठ बना दीजिए दीजिए कविताये सरस्वती हम बालक अज्ञान कली जे लाज बचाये सरस्वती हम बालक अज्ञान कली जे लाज बचाये सरस्वती दुरुस्त कर दे घर के पिमुना के लिखाई करते हैं लेकिन ध्यान है
से इतना आज जिस शुभ लक्ष्य में हम लोग आए हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहना पड़ रहा है एक भक्त की आवाज क्या है और मैं अपने आराध्य देव को मना रहा हूं, उधर ध्यान दीजिएगा। वैसे बड़े बहुत गीत मैंने गाया है इस वंदना को उकेल दिया, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि मेरा मन कर रहा है इस गीत को गाने के लिए, इसलिए गा रहा हूं। और कृष्ण मुरली वाले, और कृष्ण मुरली वाले, अरे ते तो सहारा कृष्ण मुरली वाले, अरे दे दो सहारा, दे दो सहारा सोम बनसी वाले, आज दे दो सहारा के सोम बनसी वाले। और एक सौ रुपये का पुरस्कार टैलेंट अयोध्या यूट्यूब के संचालक बड़े भैया भास्कर यादव जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ, जबकि 91 का पुरस्कार मुझे और 91 का पुरस्कार इस साथ पर बद रहे हमारे दोनों कलाकारों को प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक वंदन कहना है। कहे तेरे पाते तुम आवो कन्हैया, अरे कहे तेरे पाते तुम आवो कन्हैया, आवो कन्हैया हो आवो कन्हैया, अरे कहे तेरे पाते तुम आवो कन्हैया, आकर के लगिया बचा लियो भैया, अरे आखा से, अरे आखा से जारी गया शोक धारा कृष्ण मुरली वाले, अरे आखा से जारी गया शोक धारा कृष्ण मुरली वाले, अरे दे दो सहारा कृष्ण मुरली वाले, अरे दे दो सहारा, दे दो सहारा श्याम बरसा। बकासुर को तुमने है मारा, अरे पापी बकासुर को तुमने है मारा, अरे रे तुमने है मारा श्याम तुमने है मारा, कहा अरे पापी बकासुर को तुमने है मारा, और रहा बड़ा पापी चंडाल हत्यारा, अरे पाकड़ की सतू ने कने से पछाड़ा कृष्ण मुरली वाले, अरे पाकड़ की सतू ने कने से पछाड़ा कृष्ण मुरली वाले, अरे दे दो सहारा कृष्ण मुरली वाले, अरे दे दो सहारा श्याम वन से। चांद बने तुम्हारे पुजारे, अरे पियते चांद बने तुम्हारे पुजारे, अरे अवसर के लगिया बचाना मुरारे, अरे अवसर के लगिया बचाना मुरारे, अरे साधो कचियला सभा में निहारा के सुनमरले वाले, अरे साधु कचियला
सभा में निहारा के सनम रले वाले, अरे दे दो सहारा के सनम रले वाले। और नोएडा निवासी रमेश निषाद भैया जी का कर्तव्य द्वारा 11 रुपए का पुरस्कार, भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक वंदन कह रहा है। सामने कलाकार को जवाब और सवाल दोनों करना होता है। और शर्मा निवासी बड़े भैया परम पूज ब्रजेश यादव जी के कर्तव्य द्वारा 91 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ, भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक वंदन। छोटी सी कथानक मिली तो देखिए, मैं वहीं से अपने तरफ से सवाल करे, मैं गीत रख रहा हूं, एक कथानक निकल रहा है मेरे तरफ से। जनकपुरी की हर साई और किया भूषण से सजे धरी, हर औरत पढ़ती तनखाई। वो देखा सीता जी ने जनता जनकपुर के हर साई, आभूषण से सजे धरी, हर औरत पढ़ती तनखाई। बड़े झूले डाल के ऊपर रहे कोयल धन गाई, समझ में ना आई जब वह समझ में ना आई, कहा सुने ना माता से जब वह समझ में ना आई, कहा सुने ना सीता से जब वह समझ में ना पाई। आज हटे रक्षा बंधन का याद हटे, सुने न सीता से क्या बात समय तो ना पाई। आज दिन रक्षा बंधन का बात समय सब चितलाए, आज दिन रक्षा बंधन का बात समय सब चितलाए, आज के दिन बहन की रक्षा का पण करता हर भाई। कहा सीता सुने न से पहले क्यों नहीं बताया, ए बोली सीता सुने न से पहले क्यों नहीं बताया, गे मुझको भी मंगवा दे राखी दिल मेरा। सीता जी से कहा कि आज का दिन रक्षाबंधन है, तो देखिए सीता जी ने कहा क्या, कहा मुझको भी मंगवा दे राखी, अरे कहाँ तेरे लगाया है, और किसान भाई कहाँ गया है, क्यों ना उन्हें बुलाया है, ये कौन भाई कहाँ गया, ये क्यों ना उन्हें बुलाया है, कौन भाई कहाँ गया, ये क्यों ना उन्हें बुलाया है। सोचा मां सुने ये कैसा संकट छाया है, अगर पता तो नहीं है भाई होगा तो कुछ समाया गे, ये भी होगा ढेर किसी को भाई अगर बनाया गे। याद किया ने क्या देवी सीता को यान सताया, ये याद किया ने क्या देवी सीता को यान सताया गे। सीता सीता जी सो जाती है तो ये हाल होता है, नारद कराना सपने में तत्काल होता है, नारद मुनि से सीता जी की होती बातचीत, बोले नारद के मैया ये हर साल होता है, तो बोले नारद सीता से ये बालक सत्य बताता है, बोले नारद सीता जी से बालक सत्य बताता है। मृत लोक में ये मैया त्योहार मनाया जाता है, मृत लोक में ये मैया त्योहार मनाया जाता है, ना है कोई पिता याद के ना तो कोई भाता है, ना है कोई बहन याद के ना तो कोई बताया, कहा ना है कोई बहन आपके, अरे ना तो कोई माता है, ना है कोई पिता आपके, ना तो कोई माता है।
बहनी आपके नाते कोई माता दे, बाहे कोई पिताई आपके नाते कोई माता दे, इसलिए सुन ले मैया त्योहार मत में सुहाता दे, बोली सीता तो सुनिए कि मन्ना मुझको भाता दे, प्राण त्यागती हूँ मैं अपना प्राण पखेरो सीता माता से बोली सीता नारा से जीवन ना मुझको भाता गे प्राण त्यागती हूँ मैं अपना प्राण पखेरो जाता गे बोले नारा कह रो माये बाला काम बनाता ए बोले नारा कह रो माये बाला काम बनाता गे उसी समय में सुनो भाई ये सुनो भाइयों एक आदमी आता है उस समय में सुनो भाइयों एक आदमी आता है कहा कि बहना बांध राखे भाई बहन का नाता ये कहा कि बहना बांध राखे कहा कि बहना और रमेश कुमार निषाद निवासी शर्वा कितने से प्रदान हुआ मेरा ग्राम नेहरा की तरफ से प्रदान हुआ भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन और पुत्र जुमापुर निवासी राम पारस बड़े भैया जी आपके कार्यक्रमों द्वारा राम पारस बड़े भैया आपके कार्यक्रमों द्वारा ख्याल पिता पुरस्कार बड़े भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन कहना है और 191 का पुरस्कार मित्रों में परम मित्र परम आदरणीय है जो इस समय विदेश में विराजमान है हमारे उदयराज बड़े भाई और विरहा के बड़े अच्छे आयोजक हमारे श्यामलाल बड़े भैया और उत्तर रेलवे में अपने सेवा दे रहे हैं हमारे बड़े भैया अजय यादव जी निवासी मकरगंज आपके कार्यक्रमों द्वारा तीनों सज्जनों के कार्यक्रमों द्वारा ख्याल ख्याल रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ भाइयों का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन कहना है आता है कहा कि राखी बांध जाऊंगे भाई बहन का नाता है ये कहा कि राखी बांध बहना भाई बहन का नाता है कहा कि राखी बांध बहना भाई बहन का नाता है एक चंद व्यवस्था कचेला ज्ञान जवाब पाता है एक चंद व्यवस्था कचेला ज्ञान जवाब पाता है जवाब इसका दानो साया जवाब इसका सपने में ही नारा जिन्हें कहा कि ये त्योहार मनुष्यों का है आप इसके चिंता मत करिए आपके कोई नहीं है अरे सीता जी ने कहा अगर ये त्योहार मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे काम का नहीं है तो जीवन भी मेरे काम का नहीं मैं प्राण त्याग दूंगी नारा जी ने कहा रुके ना देखिए सपने में ही पूरा प्रकरण हो रहा है तो तुम भैया ध्यान दीजिएगा सपने में एक आदमी आता है और माता सीता से कह रहा है हमारे कवियों ने दर्शाया और वो युवक था कौन अरे धर्म राज माता सीता से अरे यही सब बोले बचनिया अरे धर्म राज माता सीता से अरे यही सब बोले बचनिया राखी बांधो मोर बहिनिया सीता माधा लज बचाया बहन
बोले सीता से भाई बहन का नाता, धर्मराज बोले सीता से भाई बहन का नाता, हमारे बड़े भैया सुरेश सुरेश यादव जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ 100 रुपए का पुरस्कार, भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक वंदन हार्दिक वंदन हार्दिक वंदन कहना है। चलो तो राख बांधते बहना समय सुहाना जाता, धर्मराज बोले सीता से भाई बहन का नाता, अरे चलते राखी बांधते बहना, चलते राखी बांधते बहना समय सुहाना जाता, लागे साची है लगनिया, लागे साची है लगनिया, लागे बांध राख सीता जी ने बोले बचन उचार, लिखते साधे है कथनिया, लिखते साधे है कथनिया, लिखते साधे है कथनिया, राख बांधो मोर बहनिया, राख बांधो करके जरा सुमार सुनो, समय होएगा हम तो पढ़ाई नहीं पाई, तो धर्मराज ने कहा बहने और दक्षिण करे सरकार सुनो, एक नगर ये कहे मंत्र का बताओ करके जरा सुमार सुनो, समय देखे धर्मराज ने सीता जी को दिया क्या, धर्मराज ने कहा बहन मेरे तरफ से एक उपहार है, और उपहार देखिए दिया क्या कि धर्मराज ने कहा बहन दक्षिणा करो सरकार सुनो, मगर
जरा सुमार सुनो। अरे तो संकट में पड़ जाने पर तो करना नहीं अब आर सुनो। ये मगर ये जगह मंत्र जब तुम करके जरा सुमार सुनो। संकट में पड़ जाने पर कुछ करना नहीं अब आर। ये संकट में पड़ जाने पर कुछ करना नहीं अब आर सुनो। कहकर देगी फेक गिनर हो जाएगा बंटा। चेलो की देखो रफ्तार। तेग चंद व्यवस्था चेलो की देखो रफ्तार सुनो। यार गवैया फिक्र नहीं चहताना यार। आइए पहला पहला चक्र है। समय कितना होगा बताओ भैया? 35 और बड़े भैया सुरेश शमर यादव निवासी मेरमऊ की तरफ से प्रदान हुआ आपके कार्यक्रमों द्वारा महान महान पांचवें रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन। कितना मिनट हुआ भैया? 35 मिनट तो नहीं हुआ भैया, 10-35। आप शायद भाषण वाषण सब जोड़े हुई है ना? नहीं नहीं, खाली गीत ही है 35 मिनट। चलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक टैलेंट इंडिया के संस्थापक हमारे बड़े भैया राकेश यादव जी आपके कार्यक्रमों द्वारा 51 रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ। 51 रुपये का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन हार्दिक अभिनंदन कह रहा है। कष्ट पड़ गया बल के प्रयान सुमर मिलो ये हनुमान। जिनका खज है परम कान उनको जाने सकल जहान। आज सैदी को करेंगे परेशान। अब आप लोगों के साथ जवाब और सवाल लेकर हमारे बड़े भैया ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। और देख रहे हैं बड़ा अच्छा आपका चर्चा भी है। बड़े भाई हमारे पप्पू यादव जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आओ भैया।